दोस्तों अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सी एस पी यानी कि बी सी लेना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर लेके आ चुका हूँ और यहाँ आपको क्या क्या सर्विसेज़ ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वालों ने मेंशन करके रखा है अपने सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले यहाँ हम सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस पर हम टिक करेंगे और जैसे ही इस पर टिक करते हैं तो यहाँ जैसे ही सर्विस जो हमें मिल रहा है यहाँ देख सकते हैं इस पर हम टिक करेंगे और हमें क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं यहाँ अभी आपको दिख जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ कैश विड्रोवल डिपॉजिट और कई तरह का अकाउंट ओपनिंग का आपको यहाँ फुल के के साथ मिल जाते हैं आधार सीडिंग का ऑप्शन मिल जाते हैं फंड ट्रांसफ़र री के सर्विस मिल जाते हैं मोबाइल नंबर आप ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं अकाउंट के अंदर क्यू आर कोड कार्ड आप यहाँ री इशू कर सकते हैं बिल पेमेंट भीम यूपीआई कर सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड और आई आईपीबी और आईपीबी मोबाइल बैंकिंग भी आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से यानी कि आईपीबी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट लिंक कर सकते हैं यहाँ ठीक है इतने सारे सर्विस आपको मिलते हैं पेमेंट्स ड्रॉप प्रोडक्ट्स uh, ये सब वगैरह जो आपको यहाँ दिख रहा है एफ डी बहुत सारे सर्विसेज़ हैं लाइफ इंश्योरेंस और बहुत सारे इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे जो मेंशन करके रखे हैं अकाउंट जो है यहाँ से ओपनिंग uh, आप कर सकते हैं और पी एम जे जे बी वाई का आप यहाँ से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं ये सब आप सर्विस अपने कस्टमर को देख सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और आधार मोबाइल अपडेट का भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं चाइल्ड आधार इनरमेंट आप कर सकते हैं कि बच्चे का भी आधार कार्ड बना सकते हैं और होम लोन रेफरल सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं पर्सनल लोन रेफरल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं बिजनेस लोन गोल्ड लोन बहुत सारे सर्विस आपको यहाँ ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है जो कि इतने सारे सर्विस आपको CSP लेने पे मिलते हैं लेकिन भाई क्या इसका सच्चाई है आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ ये जो इसका ऑफिशियली वेबसाइट है इसके अंदर इतना सारा मैंसन किया हुआ है अगर आप इसका सी लेने के लिए आप अपने नज़दीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है ब्रांच है वहाँ आप जाकर के इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत तरह का डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको सबसे पहले दौड़ाया जाएगा यानी कि आप थक जाएंगे दौड़ते हुए उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आपका बीसी आप सब कुछ कर लेंगे उसके बाद बीसी आपका जैसे ही आपको सीएसपी मिलेगा तो आपको बताया जाएगा कि पाँच हज़ार रुपये आपको यहाँ लगने वाले हैं तो आप सोचेंगे भाई चलो पाँच हज़ार रुपये हमें लग रहे हैं कोई बड़ी रकम नहीं लग रहे हैं क्योंकि हमें बीसी भी मिल रहा है और हम इतने साथ ज़्यादा सर्विसेज़ को भी यूज़ कर पाएंगे तो चलो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने काम करेंगे तो हम अपना जो है पैसे रिकवर कर लेंगे लेकिन यहाँ पाँच हज़ार रुपये अगर आप पे कर देते हैं उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड तो मिल जाते हैं ठीक है आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं लेकिन यहाँ आपको क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं सबसे पहले तो यहाँ आप अकाउंट ओपनिंग कर नहीं पाएंगे आप यहाँ केवल फ्री का सर्विस जो दूसरे कंपनी प्रोवाइड करते हैं वही आपको यहाँ मिलेंगे यहाँ बिल पेमेंट कर सकते हैं रिचार्ज कर सकते हैं और आप कोई भी ए से जैसे कि पैसे विड्रॉल करते हैं यहाँ आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एपीएस मिल जाएंगे और उस एपीएस से आप पैसे आधार से किसी का विड्रॉल कर सकते हैं और उसे आप सेटलमेंट कर सकते हैं बस यही आपको सर्विस नॉर्मल सर्विस जो फ्री का कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर देते हैं ये जो सर्विस है इतने सारे सर्विस आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर मिल जाते हैं और पाँच हज़ार आपको इस इसका पे करना पड़ता है और जो इसके अंदर आपको हर एक, एक साल के बाद आपको अठारह सौ रुपये लगेंगे इसको रेन्यवल करने के लिए यानी कि अठारह सौ रुपये आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को देना पड़ेगा तभी आप इस आईडी को यूज़ कर पाएंगे अगर आप इसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं भी करेंगे चलिए भाई दूसरी कंपनी का हम जो आ, कर रहे हैं ए पी चला रहे हैं चाहे आप सी सी चला रहे हैं या फिर कोई भी दूसरे पोर्टल चला रहे हैं जिसमें आपको फ्री का ये सब सर्विस मिल जाते हैं यहाँ भी वही आपको मिलने वाले हैं पाँच हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा लग जाते हैं आप इस लालच में ले लेते हैं इस आईडी को कि आपको यहाँ आधार अपडेट मोबाइल से भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप ये सब अपडेट कर सकते हैं बच्चे का आधार कार्ड इनरोलमेंट कर सकते हैं लेकिन यहाँ आपका होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ अगर ये सब सर्विस को एक्टिव करेंगे इसका भी अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा तभी आपका यहाँ जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर आप ये सब सर्विस का लाभ ले सकते हैं अलग अलग आपको लाभ मिलेगा अगर वही आप अगर हर एक साल में अठारह सौ रुपए आप पेमेंट नहीं करते हैं रिन्यूअल नहीं करते हैं तो आपका आईडी भी बंद कर दिया जाता है तो दोस्तों ये जो सर्विस है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से फ्री में नहीं मिलने वाला है आप बीसी लेते हैं तो आपको यहाँ फंसना पड़ता है आपको यहाँ पाँच हज़ार रुपये पे करना पड़ता है अगर यही आईडी आप लेना चाहते हैं दोस्तों यहाँ आपको हमारे पास फ्री का मिल जाते हैं इजी पे आईडी इसके अंदर आपको बहुत सारे सर्विसेज के साथ साथ अच्छा कमीशन बैंक अकाउंट ओपनिंग बहुत सारे सर्विसेज यहाँ भी मिल जाते हैं तो आपको स्क्रीन पर भी नंबर शो कर रहे होंगे आप इस आईडी को लेने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं हमें कॉल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें आइकन घंटे को भी प्रेस कर लें चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गाइस धन्यवाद जय हिंद बंदे मातरम